कोरोना संकट के बाद मंडरा रहे हैं, पूरे देश भर की मीडिया यही बात कर रही है कि यूट्यूब या फिर टिकटॉक, हर कोई एक दूसरे का ओपिनियन जानना चाहता है कि टिकटॉक या फिर यूट्यूब। आखिर आप क्या सोचते हैं, टिकटॉक या फिर यूट्यूब? एक महासंग्राम छिड़ गया जिसमें दो भयंकर सेनाएं एक दूसरे का आपस में सामना कर रही है, लेकिन बात अलग है कि दोनों में क्रिंज ही क्रिंज है। अब यूट्यूबर्स का कहना है कि टिकटॉक एक क्रिंज है, हालांकि वो खुद बोल रहे हैं कि यूट्यूब खुद एक क्रिंज है। क्रिंज कंटेंट होता है ना कि क्रिएटर, दोनों साइड से बराबर सा क्रिंज है। इस क्रिंजी कंटेंट की शुरुआत हुई एलविश यादव, जी हाँ, अमित बडाना 2.0। अमित बडाना अगर 3 पैक मार के घर वापस आए तो उसे एलविश यादव कहते हैं, विश्वास नहीं होता तो खुद ही देख लो। बिल्कुल सही, आपने सही सुना। इनकी इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही काफी है कि वो यूपी से है और कुछ कहने वाली बात है नहीं। अब इनके सपोर्ट में खड़े हुए एलविश यादव, एलविश यादव ने ही शुरू किया। उन्होंने कंटेंट की शुरुआत कुछ इस तरह से किया, कंट्रोवर्सी की शुरुआत कुछ इस तरीके से किया कि सबसे पहले उन्होंने कुछ क्रिंज कंटेंट को रोस्ट किया कुछ और क्रिंज कंटेंट बना करके। अब इस पे भड़क गई रिवॉल्वर रानी, जो कि उनकी स्कूल फ्रेंड है। जी हाँ, रिवॉल्वर रानी भी एक नाम है। यस, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, योर पेन, मेरा भी वही दर्द है। लेकिन खैर, बात करते हैं हम रिवॉल्वर रानी की, जिन्होंने की कुछ ऐसा कहा। टिकटॉक और यूट्यूब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, ये बात सही है मैडम की। यूपीएससी और आईआईटी, थोड़ा सा एग्जांपल दिया था बोलो। फक, कहाँ यूपीएससी कहाँ आईआईटी, उसको टिकटॉक और यूट्यूब से कंपेयर कर रही है मैडम। जी हाँ, अब ये सुन करके हमारे एलविश भैया अलग लेवल पर ट्रिगर हो गए और इनके सपोर्ट में आए एलविश यादव 2.0। जी हाँ, लक्ष्य चौधरी, ये भी यूपी से। यूट्यूब आईआईटी के इंजीनियरिंग है ना, आईआईटी से इंजीनियरिंग, तो टिकटॉक है ना, वो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा, डिप्लोमा में भी बैक है, हरियाणा से, पता नहीं कहां से, लेकिन इनका अलग ही लेवल का क्रिंज है। ये भी उनके सपोर्ट में आए और क्रिंज कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए। जी हाँ दोस्तों, अब ये क्रिंज कंटेंट बढ़ता ही गया, धीरे धीरे बड़े बड़े महारथी टिकटॉक की तरफ से आने लगे और उनको सामना करने के लिए या उनको हराने के लिए यूट्यूब की तरफ से भी बड़े बड़े महारथियों को आना पड़ा। सबने बराबर सा हाथ धोया इस बहती गंगा में व्यूज बटोरने के लिए, हम भी वही कर रहे हैं। पर बात हम कर रहे हैं खैर क्रिंज कंटेंट की, जो कि हम खुद एक क्रिंज कंटेंट है, बट स्टिल प्रॉब्लम इज कि क्रिंज कंटेंट दोनों जगह पे है। लोग एक्यूज करते हैं टिकटॉक को क्रिंज के लिए और टिकटॉकर्स कहते हैं कि इसी क्रिंज को इस्तेमाल करके यूट्यूबर्स अपना घर चला रहे हैं, जो कि 100% सही है, सॉरी लक्ष्य, बट स्टिल द फैक्ट इज फैक्ट। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्रिंज कंटेंट की, तो टिकटॉक को हम पीछे रह ही नहीं सकते। टिकटॉक क्रिंज से भरपूर है, लेकिन यूट्यूब भी पीछे नहीं है, यूट्यूब में भी भरपूर क्रिंज है। और अगर क्रिंज की कहीं पर कमी है यूट्यूब में, तो ये जो हमारे रोस्टर्स हैं ये और क्रिंज कंटेंट फैला रहे हैं टिकटॉक वाला ही यूट्यूब में, और काफ़ी सारे लोग तो टिकटॉक का ही क्रिंज यूट्यूब में रीअपलोड मार देते हैं कंपाइलेशन के नाम पे। बट खैर, हम बात कर रहे हैं यूट्यूब और टिकटॉक कौन जीतेगा। अब देखो भैया, आप समझने वाली बात ये है कि टिकटॉक क्रिंज है, जी हाँ, जीतेगा तो यूट्यूब ही। अरे भैया, समझने वाली बात यह है कि टिकटॉक अलग है, यूट्यूब अलग है। टिकटॉक की अपनी ऑडियंस है, यूट्यूब की अपनी ऑडियंस है, दोनों के पास अपनी अपनी ऑडियंस है और टिकटॉक क्रिंज है। मेरे हिसाब से जो जो कूड़ा टिकटॉक पे भर रखा है, मैं उनको आप लोगों के सामने लाऊं। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जिस टिकटॉक पे मुजरा करने वाले को तुम स्टार समझ रहे हो, उसे दबा के रख देते हैं। Yes, my opinion is कि TikTok अपनी जगह पे सही है क्रिंज फैलाने में, YouTube भी अपनी जगह सही है क्रिंज फैलाने में, TikTok वाली क्रिंज को दोबारा से फैलाने में। लेकिन अगर हम बात करें TikTok वर्सेस YouTube की, तो काफ़ी सारे TikTokers YouTube में भी और ऑलमोस्ट सारे, मतलब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी TikTok में हैं। तो खैर, तुम जो यूज़ कर रहे हो उसी को गालियाँ दे रहा हूँ, बात समझ में नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि TikTokers यूट्यूबर्स को गालियाँ दे रहे हैं, यूट्यूबर्स को गालियाँ दे रहे हैं, ढूबार्स को गालियाँ दे रहे हैं, कहीं और जाके दे रहे हैं। ज्ञानी की बात सुनो, तुम क्या आर्ग्यूमेंट रख रहे हो बे? मतलब आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं टिकटॉक के लिए, किस प्लेटफॉर्म पे? इंस्टाग्राम। अबे, जिस प्लेटफॉर्म को डिफेंड कर रहे हो वहां पे तुम उसको डिफेंड तक नहीं कर सकते, शर्म आ रही है इतनी सी। तो यह उनको इस्तेमाल करने पड़ रहा है इंस्टाग्राम का, तो ये कैसी बात है कि आप जिस प्लेटफॉर्म को डिफेंड कर रहे हो उसी प्लेटफॉर्म को उसी प्लेटफॉर्म पर डिफेंड नहीं कर सकते, तो क्यों डिफेंड कर रहे हो, जरूरत क्या है तुमको? अगर किसी ने टिकटॉक को क्रिंज कहा तो तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम अपना कॉन्टेंट पर ध्यान दो, तुम्हें तो नहीं कहा, राइट? टिकटॉक इज टिकटॉक, वो कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो उसको तुम सुधार नहीं सकते, उस पर तो क्रिएटर्स है, तुम अपना कंटेंट देखो ना यार। तुम अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम क्रिंज नहीं कर रहे हो तो इट्स नॉट अबाउट यू, और अगर तुम्हें कोई रोस्ट कर रहा है जस्ट टेक इट एज अ फन,
if it is not personal. But still, this is personal, so I'm leaving it here. Elvish Yadav, Amit Bhadana 2.0, Lakshya Chaudhary, Revolver Rani. और ये तीन चार लोग हैं दाढ़ी वाड़ी वाले। That's your boy, Amir Siddiqui. If I was your father, you were my boy, I would be very disappointed. भाई तुम क्यों करते हो इतने सस्ते नशे? अगर तुमसे झेला नहीं जाता रोस्ट, तुमसे क्रिंज झेला नहीं जाता, तो क्यों बेला रहे हो और क्रिंज? शांत बैठो ना, तुम और कंटेंट दे रहे हो सबको, शांत बैठो. इट्स सिंपल थिंग. या बट एनीवे, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब डाउन, मतलब क्लिक द सब्सक्राइब बटन डाउन, एंड या ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. सी यू in the next video. That's your boy, Amir Siddiqui. If I was your father, you were my boy, I would be very disappointed. जोर जोर से बोल के सबको बता दे, उसके बाप भी यही बोलता है. भाई बहनचोद, तो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर. कौन बात किया हिजड़ों के बारे में?